हाय गाइस, मैं हूं मधुकर्णिका और स्वागत है आपको हमारी चैनल हॉट एंड हैपनिंग मदर डॉटर डुओ में। आज का वीडियो एक हाईली रिक्वेस्टेड वीडियो है, ये है मेरी बनारसी कलेक्शन के बारे में। लेकिन वीडियो शुरू करने के पहले मैं आपसे एक बात पूछना चाहती हूँ, क्या आप मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज में फॉलो करते हैं? अगर नहीं करते हैं तो ज़रूर कीजिए, क्योंकि वहाँ पर मैं बहुत सारे अपडेट्स आप लोगों को देती रहती हूँ। तो मेरा इंस्टाग्राम हैंडल का नाम है हॉट एंड हैपनिंग मधुमून और मेरा फेसबुक पेज का नाम भी हॉट एंड हैपनिंग मधुमून है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज का वीडियो। तो मैं चली आई हूँ मेरी सारी बनारसी कलेक्शन को लेकर, कुछ ज़्यादा नहीं है लेकिन जितना भी है उसको मैं इस तरह का एक साड़ी ऑर्गेनाइजर में कीप करती हूँ। इससे क्या होता है, साड़ी बहुत अच्छा रहता है और बहुत सालों तक आप उसे यूज़ कर सकते हैं। और आप वीडियो देखते रहिए, बीच में मैं और एक टिप्स भी दूंगी जिससे आपका साड़ी बहुत सालों तक अच्छा रहेगा। तो ये है मेरी पहली बनारसी साड़ी, ये मेरी शादी की साड़ी है जो मेरी पापा ने मुझे गिफ्ट की थी। ये देखिए इसका पार इस तरह से है, ये कतान बनारसी है। कतान बनारसी की प्राइस थोड़ा ज़्यादा होता है, इसका भी प्राइस इसलिए थोड़ा ज़्यादा है। ये पतली पल्लू है बीच में, ट्रेडिशनल काम किया हुआ है साड़ी। ये है मेरा सेकेंड साड़ी, ये सेटिन बनारसी है, पूरा काम किया हुआ है आप देखिए। लेकिन फिर भी ये कतान बनारसी जैसा उतना प्राइस नहीं है, इसका प्राइस थोड़ा कम है। सेटिन बनारसी क्या होता है, ये थोड़ा भारी होता है, इसलिए जो ये पहली बार पहनेगा तो उसके लिए ये कैरी करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। मैं आप लोगों को यहाँ पर डिफरेंट टाइप्स ऑफ बनारसी दिखाने की कोशिश कर रही हूँ जितना मेरे पास है कलेक्शन में। उसी तरह का और एक बनारसी साड़ी है, ये देखिए, ये एक उपारा बनारसी है। ये बहुत ही लाइट वेट है इसलिए कोई भी इसको पहन सकता है। ये डुअल कलर में है, ऑफ वाइट और रेड में। इसका प्राइस भी उतना ज़्यादा नहीं है। मैं आप लोगों को एक सजेस्ट करूंगी, आप बनारसी साड़ी ट्रेडिशनल वे में तो पहनते ही है लेकिन आप थोड़ा अलग सा बनारसी को पहनने की कोशिश कीजिए, इससे थोड़ा एक न्यू लुक, एक न्यू मेकओवर आपको आएगा। नेक्स्ट है ये बांग्लादेशी बनारसी, आप देखिए इसको, यहाँ पर देखिए जो काम किया हुआ है, ये जरी का नहीं है, ये थ्रेड का है, गोल्डन कलर का थ्रेड का है जो सालों साल तक एक ही तरह का रहेगा, इसका बिल्कुल ख़राब नहीं होगा और इसका ग्लेज भी कभी कम नहीं होगा। तो ये है लिनन बनारसी, ये देखिए ब्लू और रेड में है। ये भी बहुत ही लाइट वेट है, एकदम लाइट वेट है लेकिन इसका प्राइस ज़्यादा है। मैं आप लोगों को इनमें से कुछ कुछ बनारसी को थोड़ा अलग तरीके से पहन के दिखाने की कोशिश करूँगी ताकि आपको कुछ आइडिया मिल सके कि आप बनारसी के साथ भी किस तरह से एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट साड़ी दिखाने से पहले मैं आपको वो टिप्स बताना चाहती हूँ जो मैं वीडियो के पहले आपको बोल रही थी कि मैं आपको बाद में बताऊंगी। ये टिप्स मेरी मम्मी का है। आप क्या कीजिए, आपके घर में जो न्यूज़पेपर होता है वो न्यूज़पेपर को आप साड़ी पहले खोलकर उसके बीच में बिछा दीजिए और फिर साड़ी को फोल्ड करके उसे रख दीजिए, देखिएगा कि आपका साड़ी सालों सालों तक अच्छा रहेगा। और जो आप अगर न्यूज़पेपर के बिना अगर आप फोल्ड करते हैं तो आप क्या होता है, हम देखते हैं कि ये ऐसे फोल्डिंग के बीच में कट आ जाता है, लेकिन उस तरह से अगर आप न्यूज़पेपर रख के उसको फोल्ड करेंगे तो आपका वो कट कभी भी नहीं आएगा और आपका साड़ी सालों सालों तक अच्छा रहेगा। तो नेक्स्ट है और एक कतान बनारसी, आप देखिए ये पूरा साड़ी में इस तरह से काम किया हुआ है, बहुत ही खूबसूरत सा साड़ी है ये और पहनने में इतना लाइट वेट है कि मैं बीच बीच में ये पहनती रहती हूँ। तो नेक्स्ट है मेरा सबसे फेवरेट बनारसी, ये ब्लैक कलर का, आपको दिखाने के लिए इसलिए मैंने ये पूरा बनारसी को खोली है। देखिए पूरा साड़ी में भर भर के काम किया हुआ है, ये कतान में है। यही बनारसी अगर आप सेटिन में लेते तो इसका वेट कई ज़्यादा बढ़ जाता, आप देख सकते हैं बहुत ही ब्यूटीफुल है ये बनारसी साड़ी। ये साड़ी को भी मैंने थोड़ी अलग से पहनी है, एक क्रॉप टॉप के साथ ये साड़ी मैंने पहनी है, आप इस फोटो में देख सकते हैं।
तो लास्ट साड़ी दिखाने से पहले बोलिए आप लोगों को ये वीडियो कैसा लग रहा है। अगर अच्छा लग रहा है तो ढेर सारा लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के बीच हमारे वीडियो शेयर कीजिए और हमारे चैनल को प्लीज़ 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 सब्सक्राइब कीजिए ताकि हम जितना सारा एंटरटेनमेंट आप लोगों को देने की कोशिश कर रहे हैं वो आप तक पहुँच पाए। और जो नोटिफिकेशन बेल है उसको भी टैप कर दीजिए ताकि जब भी कोई नया वीडियो हम लोग अपलोड करें सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुँच जाए। तो चलिए बढ़ते हैं हमारी लास्ट साड़ी की ओर। ये है हमारी लास्ट साड़ी, ये देखिए, ये भी एक कतान बनारसी है। कतान इतना ही लाइट वेट है इसलिए मैं इसको पहनना पसंद करती हूँ। इसके पार की एक खासियत है, ये महारानी घराना का पार है। आप देखिए, देख सकते हैं इस तरफ का ये इस तरह से पार है और इसके ऊपर की तरफ ऐसे इस तरह का पार है। देखिए इस साड़ी को भी आप देख सकते हैं फोटो में मैंने कैसे एक्सपेरिमेंट करके पहनी है। तो आज के लिए इतना ही। इस तरह का और भी एंटरटेनिंग वीडियो देखने के लिए आप लोग बने रहिए हमारे चैनल के साथ। बी स्टाइलिश एंड यूनिक इन द क्राउड। लव यू ऑल। बाय।